गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। इवनिंग। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चीटी चढ़ गई ना, शेर थोड़ा चढ़ गया। इतना क्या घबराने की जरूरत, चीटी तो है। ऐसी चीटियां तो पता नहीं हम कितनी खा लेते हैं रोजाना। दही खाते हो, उसमें कितनी चीटियां होती हैं, ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया। चीटियां भी बैक्टीरिया हैं। ओके चलिए, एनीवेज सो होपफुली आप सबकी राखी अच्छी गई होगी। आपने राखी नहीं बनाई तो दिवाली मनाई। आपकी राखी अलग आती है। अच्छा ठीक है, जब भी आपकी आया होपफुली आपकी अच्छी बने। बाकी सब लोगों की अच्छी थी, बिल्कुल विश्वास है। किताब भी नहीं उठाई होगी, आई थी ठीक है, उठा के रख दी। जेन्युइन आंसर। ओके सो मुझे पता है एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस कि हमारे बच्चे इतने होनहार हैं। चलो एनीवेज, तो फेस्टिवल अपने अच्छे से एंजॉय किया, दैट्स गुड। अच्छा, अच्छी तरह एंजॉय करना भी चाहिए, बट अब नाउ बैक ऑन ट्रैक। ओके अब ये महीना और अगला महीना बिफोर दिवाली अपने को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी, मतलब हम लोग अब हमारे हाफ एलिस के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हाफ एलिस के लिए हमारे पास 2 महीने हैं करीब करीब, किसी के 2.5 महीने होंगे, किसी के 3 महीने, किसी के 2, पर एवरेज 2 महीने मान के चलते हैं। बिफोर अक्टूबर, सेप्टेम्बर आज स्टार्ट हुआ है, सेप्टेम्बर अक्टूबर 2 महीने, तो ये 2 महीने दिवाली से पहले पहले हम अब मौज मस्ती को भूल जाएंगे और पढ़ाई पे आ जाएंगे वापस। ओके, कईयों के तो शायद सेकंड टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट होने हो रहे हैं अभी, बट सेकंड टेस्ट वगैरह से हम ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो होते रहते हैं टेस्ट छोटे मोटे, तो मेन फोकस है हमारा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में हम करीब करीब 70-80% हमारा कोर्स कर चुके होंगे, ये हमारे टारगेट्स हैं प्लस रिवीजन। ठीक है, तो उसके लिए अपने को अब रेगुलर होना पड़ेगा। सो एक्सरसाइज नंबर 11.4 चल रही थी लास्ट हमारी बिफोर राखी, राइट? एंड उसके हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे अब तो हेयर, राइट? एंड जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 4 वॉल्यूम का क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही मून और अर्थ का क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में भी आया था। डिफरेंस इज दैट कि वहां सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो हमने खत्म कर दिया था इसका आंसर, हम उसी क्वेश्चन में लेके आए थे भाई, ऐसा आएगा देखो इसका आंसर ही आएगा, बट हम करेंगे लेकिन लास्ट में। अभी अपन बाकी के क्वेश्चंस खत्म करते हैं हेमिस्फीयर एंड स्फीयर के वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है, सो देखो आपने नोटिस किया होगा यहां तक के क्वेश्चंस स्फीयर थे, तो अब हेमिस्फीयर के भी क्वेश्चंस हैं। ओके स्टार्ट करें, सो क्वेश्चन नंबर 5 हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, तो अब आपसे वॉल्यूम तो पूछ रहा है लेकिन लीटर्स में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, हम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं, ऐसा अपन ने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है। चलिए, हेमिस्फेरिकल बॉल है, ऑब्जेक्ट कैसा है, हेमिस्फीयर है, और डायमीटर कितना गिवन है, 10.5। सो विद डायमीटर वी विल फाइंड आउट रेडियस, एंड विद रेडियस वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम, एंड विद वॉल्यूम वी विल फाइंड आउट कैपेसिटी इन लीटर्स। इस तरीके से होगा। चलो स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट हियर इट इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल दैट इज डी इक्वल टू व्हाट, व्हाट इज द डायमीटर गिवन, टेल मी, 10.5 सेंटीमीटर इट इज गिवन। जो बच्चे एबसेंट थे पिछले कुछ दिनों में, जैसे एक क्लास एबसेंट रहे, कोई 2 क्लास एबसेंट थे, कोई 6 क्लास एबसेंट थे, जैसा जैसा आपका था प्रोसेस, तो आपको जब टेस्ट होगा इस चैप्टर का, अभी देखते हैं कल होता है कि परसों होता है, जब भी होगा, उस टेस्ट वाले दिन आपको आपकी ये नोट्स वाली नोटबुक लेके आनी है। आप लोग टेस्ट दोगे और मैं साइमल्टेनियसली आपकी नोटबुक्स चेक करूंगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 1 या 2 दिन हैं होमवर्क करने के, अगर आप एक आध दिन एबसेंट थे तो वीडियो से कवर करके या मुझसे पूछ के, या पर एक दूसरे से नोटबुक लेनी देनी नहीं है। अगर पता चला नोटबुक ली दी या दी है तो पता है आपको क्या होगा फिर, है ना, लेने वाले को कम पनिशमेंट मिलेगा, देने वाले को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसकी आंखों के सामने वो नोटबुक फाड़ दी जाएगी और देने वाले को फिर से सारी नोटबुक बनानी पड़ेगी, और ऐसा हो चुका है, आपके सीनियर से जाके पूछना उनकी आंखों के सामने मैंने नोटबुक फाड़ी है और उन्होंने बैठ के फिर से बनाई है,
तो आपके साथ ऐसा ऐसे दुखद घटना ना हो, इसलिए को नहीं जाएंगे। ओके, ये बात बिल्कुल कान खोल के सुन लेना, मैं दोबारा वार्निंग नहीं दूंगा। हाँ, कॉपी देने वाले को ज्यादा पनिशमेंट है। ओके, दैट इज आर। और ऐसे एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं कि सर इसने तो मेरी बैग से निकाल ली, ऐसे एक्सक्यूज मैं नहीं सुनूंगा। आपने क्यों निकालने दी? आप छोटे बच्चे हो कि आपको कोई भी मार के धमका के आपकी नोटबुक ले जाएगा? और वाकई में अगर कोई ऐसा मार के धमकाने वाला काम कर रहा है तो उसकी शिकायत आप मुझसे करें, तो मैं देखूंगा कौन ऐसी गुंडागर्दी कर रहा है हमारी कोचिंग। ठीक है, रेडियस देखो, डी डिवाइडेड बाय टू, 10.5 डिवाइडेड बाय टू, सो रेडियस क्लियर। नाउ लेट्स फाइंड द वॉल्यूम। हालांकि अपने को कैपेसिटी चाहिए, लीटर्स में क्या निकाली जाती है? कैपेसिटी। बट कैपेसिटी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम से फिर कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में, यानी कैपेसिटी। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल निकालते हैं। हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा। इस कटोरे को नहीं पड़ा तो फिर हाथ में आ जाएगा आगे चल के ऐसा ही कटोरा। तो इसको, इसकी इज्जत अभी कर लो, इसकी इज्जत अभी कर लो इस कटोरे की, नहीं तो फिर जिंदगी भर इसी की इज्जत करनी पड़ जाएगी। ठीक है, और पता है कटोरा ना, मतलब जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल दिखने वाला कटोरा, कटोरे कई टाइप के होते हैं। आप अगर जिंदगी भर किसी के मोहताज रहते हो तो भी एक तरीके से आपके हाथ में कटोरा ही है, इमेजिनरी कटोरा है ना, है कि नहीं है? बोलो बोलो, है ना? प्रैक्टिकल सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है कि मान लो बॉयज जो हैं बड़े होके कुछ नहीं कर पाए तो पेरेंट्स के मोहताज रहेंगे, तो बात बात पर पेरेंट्स से मांगेंगे जो भी उनको मांगना है, तो फिर एक तरीके से कटोरा ही हाथ में मांगते रहो। एंड गर्ल्स, अगर आपने कुछ नहीं किया तो एज टिपिकल हाउसवाइफ बन के जिंदगी जीनी पड़ेगी, फिर हस्बैंड से मांगना पड़ेगा बात बात, तो फिर हाथ में कटोरा ये इनविजिबल कटोरा ये। तो इन सिचुएशन से बचना चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो इस कटोरे की इज्जत करो अभी, इसको ढंग से समझो। ओके, टेल मी द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। सही ठीक है, 2/3 पाई आर। बैठो, सही है, करेक्ट है। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। 2/3 पाए बोले तो 22/7, आर बोले तो 10.5 का क्यूब है बेटा, तो 10.5/2, 10.5/2 और 10.5/2। कोई ऐसा बच्चा भी है जो साइंस में आकर अभी भाग गया? सर नहीं दिखे तो सर बस ये दो ही थे। हार्दिक नहीं आया? हार्दिक नहीं आया? ओके, 7 × 7, 7 × 7 1.5। ठीक है, देखो देखो, 2 से ये 2 तो ऐसे जैसे उड़ाओ, इस 2 से इस 11 को उड़ाओ, अब क्या बचा? इस 3 से इस 10, 1.5 को उड़ा दो, 0.5 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 होता है। अब केवल अकेला 2 बचता है नीचे, ठीक है, अकेला 2 बचता है नीचे, ऊपर क्या बचता है? 11, 10.5, 10.5, 0.5 ऑल डिवाइडेड बाय 2, और क्योंकि सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में रहा होगा। बोलो, चलो जी, तो पहले 10.5, 10.5 को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 105 का स्क्वायर करना है, डेसिमल भूल जाऊं तो 105 है ना, ये 105 का स्क्वायर कैसे करते हैं बताए किसी को? 5 और जोड़ो 110, और 5 का स्क्वायर 25, 2 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, 11 × 0.5 कर दो, तो 11 × 5 = 55, 1 डेसिमल प्लेस है, तो 5.5। कौन सा वाला? 11 × 5 = 55 कैसे किया? 110 का, 105 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना ज्यादा ही है, उतना ही और जोड़ो, 110
जितना भी जोड़ा उसका स्क्वायर यहाँ लिखो। ऐसे बी क्या ऐसे ही करते हैं? बहुत सारे हैं आपको, आप जिसमें हैंडी फील करें, बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है, ठीक है ना। एंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ वैदिक मैथ्स जो आपके करिकुलम से अब हट चुकी है। आज से 5 साल पहले आपके 9th-10th में वैदिक मैथ्स आती थी, एक चैप्टर होता था वैदिक मैथ्स। ये हमारे पुराने वेद शास्त्र में इस तरीके की मैथ्स चलती थी, उसका एक चैप्टर रहता था। आपके भी शायद 6th-7th तक रही होगी, 5th में रही होगी ना, तो वो 10th तक थी पहले। वो कहां तक थी? 10th तक थी। और बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करने के लिए वो चैप्टर होता था। वो चैप्टर हट गया है तो बच्चों की बैंड बज गई। ठीक है, आओ बता रहे हैं फिर भी हम आपको, खुश नसीब हुआ। तो 110.25 एंड 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे और पिछली बार की तरह अपने अपने चिट्स में लेके आएंगे। शुरू हो जाओ। 110.25 को 5.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर लेके एक चिट में पैक करके वो चिट मेरे पास लेके आएंगे। क्विक, नहीं डिवाइड नहीं करो, केवल मल्टीप्लाई कर दो। कर लिया तो चिट फाड़ के ले आओ मेरे पास। सबसे पहले गरिमा ने दिया, अपना नाम लिख देना चिट पे। देखो ये रफ है कि फेयर है? ये फेयर को तो तुमने रफ की तरह कर रखा है, इसको तो इससे बढ़िया चिट ही लिया हूं। ऐसे और करते हैं साइड में, पूरा फेयर ही खत्म लिखे। क्या लिखा है? बैठो। नेक्स्ट, बाकी लोग जिस दिन सबका बिल्कुल करेक्ट निकलेगा उस दिन ये प्रैक्टिस छोड़ देंगे, तब तक ये प्रैक्टिस चलेगी। पॉइंट तो हम लगा देंगे, आप तो मल्टीप्लाई सही करके ले आओ बस। तो कब सीखोगे मल्टीप्लाई करना? लास्ट क्लास में इतना लेक्चर दिया, अभी भी नहीं समझ में? हाँ हो गया, सबने दे दिया पॉइंट? ना भी लगाओ तो चलेगा, पॉइंट हम लगा के दे देंगे। किसने नहीं किया? आर्या करो जल्दी। हाँ करो करो जल्दी, आप आंसर लिख के आ जाओ चिट पे, आंसर लिख के आ जाओ, सॉल्व मत करो दोबारा, आंसर लिख के आ जाओ, जल्दी करो। इशिका आप उठ के आ गया हूँ, आर्य आप भी उठ के आ गया हूँ, यहाँ पे यहाँ पे। नहीं कुछ गिर गया, दे दिया सबने, आप यहाँ बैठो पीछे, इसके पीछे देखो। आर्य का करेक्ट है, नोट कर लेना किस किस का नहीं। शौर्य का करेक्ट है, तनिष्क का भी करेक्ट है, ये कौन है गुमनाम? यापो, ये कौन है गुमनाम? अभी पता चल जाएगा। अभिषेक का इनकरेक्ट, परीक्षित करेक्ट, तुषार करेक्ट, संयम इनकरेक्ट, इशिका करेक्ट, शैली करेक्ट,
ये अगेन गुमनाम, तीसरा भी गुमनाम, हम कैसे मान लें? बस नाम नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समीक्षा इनकरेक्ट, समीक्षा इनकरेक्ट, मेहुल करेक्ट, अवधि करेक्ट, निलेश करेक्ट, प्रियांशु करेक्ट एंड गरिमा करेक्ट। तो जिन जिन के इनकरेक्ट है खड़े हो जाओ। किस किस के? समीक्षा, अभिषेक एंड संयम, तीन लोगों के इनकरेक्ट हैं, तीनों खड़े रहो। आपका भी इनकरेक्ट था ना? अच्छा, गुमनाम पर्चियों पे भी तो इनकरेक्ट है किसी के? गुमनाम पर्चियों पे दो का तो करेक्ट है, एक का इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट आपका ही है, मैंने उसी टाइम नोटिस कर लिया था। तो अब जिनका नाम नहीं आया उनका करेक्ट है ये दो पर्चियों का। तो चार लोग खड़े हो गए ना, ठीक है, चलो खड़े रहो एंड वी विल डू द फर्दर प्रोसीडिंग्स। तो क्या आया? 60-6375। अब देखो पॉइंट पॉइंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, दो पॉइंट इसमें आ रहे हैं, दो तीन एक पॉइंट, तो थ्री पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, मतलब तीन डेसिमल प्लेस हो गए। सो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया 606.375 होल डिवाइडेड बाय 2। चलो 2 से डिवाइड करते हैं हम इसको, 2 से डिवाइड करना भी अभी अभी एक बार मल्टीप्लिकेशन में परफेक्ट हो जाओ, फिर डिवाइड भी करवाऊंगा, ठीक है ना? पहले मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, अभी आपके नर्सरी में पढ़ रहे हो, धीरे धीरे एलकेजी में ले आए आपको, फिर एलकेजी में डिविजन सिखाएंगे। 2 3 6, 0 का 0, 2 3 6, डेसिमल की जगह डेसिमल, 3 बचा, 2 बन जा 2, तो 3 में से 2 का रिमाइंडर बचा 1, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 गए, 1 रिमाइंडर बचा 15 हुआ, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गए तो 1 बचा, 1 के आगे 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 जा 10, सो दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है, दैट मींस सेंटीमीटर क्यूब में तो वॉल्यूम पता चला, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? कैपेसिटी इन लीटर्स, दिस वाज अवर क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन करेक्ट आ रहे हैं और उनको पनिशमेंट मिल रही है, वो इस बात का बुरा ना माने, अपना सौभाग्य माने कि 9th क्लास का टीचर भी आपको आपकी गलतियां सुधारने का मौका दे रहा है, नहीं तो कोई भी नहीं देगा, कहीं भी चले जाओ। क्लास 9th की अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हो तो नोबडी इज कंसर्न्ड कि आप मल्टीप्लिकेशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। बट हमें परवाह है, तो इसमें आप अपनी इंसल्ट ना फील करें, आप सौभाग्यशाली हैं कि हमें कंसर्न है, आपको मौका मिला है ना, ये पनिशमेंट एक मौका है, आप अपनी कैलकुलेशन सुधार सकते हैं 9th क्लास में ताकि 10th में हमको फायदा मिले, ठीक है? और प्रोसेस यही होता है सुधारने का, और कोई प्रोसेस नहीं होता। पनिशमेंट जब तक नहीं मिलती ना, तब तक कोई चीज सुधर नहीं सकती, डरना जरूरी है, ठीक है? ओके, हाँ जाओ। ओके, नाउ कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल, कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है ना बच्चों? तो बुरा मत मानना, पर यही प्रोसेस है, और फिर भी कोई बुरा मान जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर कोई बुरा मान जाए तो वी डोंट केयर। अवधि, आप किसी के बीच में नहीं बोलोगे, अदरवाइज आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, ओके? जो रिधि को बोलना है वो रिधि खुद बोल सकती है, बोल सकती है रिधि, ठीक है? आपको सेक्रेटरी रखा है उसने कि उसके बिहाफ पे आप बोल दो। ओके, नो टॉक्स। नाउ कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल, और कैपेसिटी वो बोले ना बोले लीटर्स में ही होती है, किसमें होती है? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप मल्टीप्लिकेशन सही कर दोगे तो मैं बिठा दूंगा, और जो बैठे हैं वो खड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। सो हमारे पास जो सेंटीमीटर क्यूब है, देखो 303.1875, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये तो हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो पहले आप ये सोचो कि बड़े से छोटा जाना है कि छोटे से बड़ा आना है। सेंटीमीटर क्यूब सबसे छोटा, लीटर उससे बड़ा, मीटर क्यूब सबसे बड़ा, याद है? सेंटीमीटर क्यूब सबसे छोटा,
देन लीटर देन कम्स द मीटर क्यूब. तो अभी आप हमें हैं सेंटीमीटर क्यूब, सबसे छोटे वाले पायदान पर हैं, मिडिल वाले पायदान पे जा रहे हैं, छोटे से बड़ा आ रहा है, छोटे से बड़ा. जब भी चढ़ाई करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? डिवाइड. सो ये जो है इसको जैसे ही मैं थाउजेंड से डिवाइड कराऊंगा, थाउजेंड से डिवाइड कराते अब मैं सेंटीमीटर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है. अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये लीटर में बदल चुका है. थाउजेंड से डिवाइड कराती है किसमें बदल चुका है, लीटर. अब थाउजेंड से डिवाइड कराएंगे तो तीन जीरो आ रहे हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल शिफ्ट दिस डेसिमल प्लेस थ्री प्लेसेस टू द लेफ्ट, थ्री प्लेसेस टू द लेफ्ट. यहां से आके यहां, यहां और यहां, थ्री के बगल में आ गया, थ्री के बगल में आ गया. तो इधर कोई नंबर नहीं बचा तो हम जीरो लगा देंगे. सो व्हाट वुड बी द आंसर, फाइनल आंसर, 0.303185 liter. चेक द आंसर. अप्रोक्स अगर लगाओ तो तीन डिजिट पे अप्रोक्स है या दो डिजिट पे, तीन डिजिट होना, तीन डिजिट पे होना चाहिए. तो तीन डिजिट पे अप्रोक्स लगा दो आप 0.303 तक, 0.303 liter. ठीक है, ओके, समझ आया सभी को? समझ आया? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, डिलीट कर दो, नोट डाउन हो गया. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं हम लोग. एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर. हाँ, ए हेमिस्फेरिकल टैंक, अब की बार कटोरे के आकार में टैंक है. मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? कटोरे के आकार में टैंक है, कहाँ देखा है? पंजाब में वो सिलेंड्रिकल है, वो तो सिलेंड्रिकल है ना, वो हेमिस्फेरिकल थोड़ी ना. कटोरा ऐसा होता है, अभी भी ये परफेक्ट हेमिस्फेयर भी नहीं है, पूरा ऐसे हो, मतलब इसका जो ये पॉइंट है वो पॉइंटेड हो, मतलब पानी का टब भी सिलेंड्रिकल माना जाएगा. एक्चुअली वो फ्रस्ट्रम होता है, पानी का टब फ्रस्ट्रम होता है, जो आपके कोर्स में कड़ाई, बड़ी कड़ाई, उसको फिर भी कह सकते हैं हेमिस्फेरिकल टैंक. ठीक है, चलो आओ. इस मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 centimeter थिक. आ जाइए भाई साहब. तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन शीट से बना हुआ है, लोहे की चद्दर से या लोहे की परत से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है. आयरन मतलब लोहा, लोहे का बना हुआ एक हेमिस्फेरिकल टैंक है. और उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 1 centimeter. लाइक सपोज करो ये वो टैंक है, तो ये तो अभी स्टील से बना हुआ है, तो स्टील की थिकनेस ये देख रहे हो, ये थिकनेस देख रहे हो, ये थिकनेस उसमें कितनी है, 1 centimeter. अभी इसकी थिकनेस तो मुश्किल से 1 mm होगी, 1 centimeter का भी 10th part होगी, उसकी कम से कम इतनी थिकनेस है, क्योंकि बड़ा टैंक है. ओके, समझ गया. आगे सुनो, इनर रेडियस 1 meter है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक. मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अब मैं आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हम सीखेंगे. सो ध्यान से सुनिए, मुझे एक बॉटल मिलेगी 2 मिनट के लिए, कैन आई बोरो? देखो इधर देखो, लेट्स से ये बॉटल है, किसकी बनी हुई है? अब अगर मैंने सपोज करो मैंने इसमें कितना प्लास्टिक लगा हुआ है ये जानना चाहा, तो इसमें कितना प्लास्टिक लगा हुआ है, जैसे इसमें क्या जानना चाहा कि आयरन कितना लगा हुआ, मतलब मटेरियल. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना हुआ है, लाइक प्लास्टिक, आयरन, स्टील, जिससे भी बना हुआ है, उस मटेरियल की क्वांटिटी जानना चाहें, उस मटेरियल का वॉल्यूम जानना चाहें, इधर आ जाए, अभिषेक इधर आ जाए. हाँ, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना. अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस बॉटल का वॉल्यूम निकाल लूं तो क्या प्लास्टिक का वॉल्यूम आ जाएगा क्या, सोच के देखो, दिमाग लगाओ. अगर मैं इस बॉटल का वॉल्यूम निकाल लूं तो इसमें जो भी प्लास्टिक लगा हुआ है उसका वॉल्यूम, इस बॉटल का वॉल्यूम और वो प्लास्टिक का वॉल्यूम इक्वल है क्या? मतलब अगर हमसे किसी ने पूछा कि इसमें कितनी प्लास्टिक लगी हुई है, तो क्या आप इसका वॉल्यूम निकाल दोगे क्या? बोलो, पता है कब निकालते हैं इसका वॉल्यूम? जब ये अंदर से भी प्लास्टिक होता, ठोस होता, ये होलो नहीं होता, ठोस होता, ठोस समझते हो, सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर अगर ये होता, अंदर से भी पूरा प्लास्टिक, मतलब इसमें कुछ डाल ही सकते हम. एक होता है होलो, एक होता है सॉलिड. सॉलिड मतलब बिल्कुल ठोस, होलो मतलब अंदर से खोखला. तो ये तो खोखली है, तो इसके अंदर थोड़ा प्लास्टिक है, तो इस बॉटल के वॉल्यूम में तो इसके अंदर का खाली जगह भी शामिल है, इसमें थोड़ा प्लास्टिक लगी हुई है.
अगर हमसे किसी ने सॉलिड ऑब्जेक्ट के केस में मटेरियल का वॉल्यूम पूछा तो हम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ही निकाल देंगे, वही मटेरियल का वॉल्यूम हो जाएगा, पर वो कब, जब ये सॉलिड हो, जब ये सॉलिड। इन केस अगर ये होलो है जैसे अभी ये है तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिए। इसकी बाहरी जो दीवार है ये वॉल्यूम निकालना, बाहरी दीवार का मतलब बाहरी दीवार, इसकी जो बाहरी दीवार, समझ रहे हो, नहीं समझे, मतलब इसका मैं वॉल्यूम निकाल लूं इसकी बाहरी एजेस के मेजरमेंट से, बाहरी एजेस के मेजरमेंट से, मतलब बाहर से बाहर ये कितनी सी रेडियस है, कितनी ऊंचाई है, ये सब निकाल के मैं इसका वॉल्यूम निकालू, और फिर एक बार मैं अंदर से अंदर निकाल लू, एक बार मैं अंदर से अंदर निकाल लू, और फिर मैं बाहरी वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो केवल ये प्लास्टिक का वॉल्यूम बचा कि नहीं बचा, समझ आया। लेट्स से ये ठोस थी पहले, पहले क्या थी, मैंने कटिंग करके एक बॉटल निकाल के फेंक दी, अभी खोखली हो गई, तो जो प्लास्टिक बची हुई है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम, उसमें से इनर वॉल्यूम माइनस किया, आउटर वॉल्यूम मतलब ये टोटल वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम कह दूं या टोटल वॉल्यूम कह दूं, बाहर से बाहर, ठीक है ना। इनर वॉल्यूम मतलब एक बॉटल कट कर दी मैंने ऐसे और कट करके निकाल के बाहर फेंक दी, तो अभी खोखली हो गई, तो अब जो बची हुई चीज है वो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, टोटल वॉल्यूम में से जो बाहर निकाली वो उसको माइनस करके निकालोगे, अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देखो, इधर देखो, लेट्स से दिस इज द पोडियम, लेट्स से दिस इज ए पोडियम, अब ये पोडियम वैसे आप ऐसे मानो कि ये पोडियम यहां से लेके यहां तक पूरा खोखला है, अंदर पूरा क्या है, वैसे है नहीं पर इमेजिन करो कि ये पूरा क्या है, खाली है, खाली है। अब मैंने कहा इस लकड़ी का वॉल्यूम बताओ, सपोज करो इस पोडियम को मुझे बनाना है, तो खाती कहेगा कि इसकी जितनी लकड़ी लगे वो लेके आओ, तो मैं बाजार में लेने जाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कितनी लकड़ी लगेगी इसमें, तो लकड़ी का वॉल्यूम मुझे पता होना चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखना ये बाहरी एजेस है, यहां से लेके यहां तक ये जो है ये आउटर एज, आउटर मेजरमेंट है, ये क्या है, बाहर से बाहर वाला मेजरमेंट है, पहले मैं बाहर से बाहर वाले मेजरमेंट को कंसिडर करके इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, उसमें इसके अंदर की खाली क्वांटिटी का वॉल्यूम भी शामिल है। अब मैं अंदर से अंदर वाला वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, उसको निकाल के बाहर फेंक दूं, तो केवल और केवल इस लकड़ी का वॉल्यूम बचा, नहीं बचा, समझ आया। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो था सब समझाने का तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला सुनो, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जब भी निकालना हो तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होलो है या सॉलिड, पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होलो है या सॉलिड, इनकेस वो सॉलिड है, इनकेस वो सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम ही मेटेरियल का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम ही मेटेरियल का वॉल्यूम, लेकिन इन केस ये होलो है, लेकिन इन केस ये होलो है तो फॉर्मूला बनता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, बोलो फॉर्मूला, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नोट डालेंगे, दो फॉर्मूले यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, मतलब एक ही मिल रहा है देखा जाए तो, एक तो रिवाइज हो रहा है बस, वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल यूज, वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल, हेडिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल यूज कैसे निकालते हैं, जिस कोई भी ऑब्जेक्ट किस मेटेरियल का बना हुआ है उस मेटेरियल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, केस वन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, केस वन क्या बनेगा, केस वन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, ठीक है, एंड केस टू विल बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज होलो, केस टू विल बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज होलो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, अभी हेमिस्फीयर है, कल को कुछ और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिलेंडर कौन कुछ भी हो जाए, फॉर्मूला यही चलेगा सब में, फॉर्मूला सब में यही चलेगा, when, हाँ जी, when the object is hollow, अच्छा कई बार वो आप आगे होके बताएगा नहीं कि ये सॉलिड है होलो, दिमाग लगाना पड़ेगा, अब टैंक है पानी का, टैंक तो होलो होगा ना, पानी काय में डालेंगे, सॉलिड होगा तो पानी काय में डालेंगे, उसका कुछ यूज हुआ क्या, अगर वो सॉलिड हुआ तो नहीं हुआ ना, जैसे मान लो पेड़ होता है, पेड़ का तना होता है, तना ट्रंक, उसको हम उसकी मतलब डालियां वालियां काट दे जो केवल मेन ट्रंक बच जाए, तो वो भी सिलेंडर है लेकिन वो सॉलिड है,
लेकिन वो सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर्स भी हो सकते हैं और पानी का टैंक है तो फिर वो होलो सिलेंडर भी हो सकता है, ओके ना। तो दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट सॉलिड एंड होलो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम रोज आम की जिंदगी में देखते भी हैं और यूज में भी लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन देखकर पहचानना है कि ये होलो होगा या सॉलिड होगा, ठीक है। चलो केस वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, इस केस में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने का तरीका बनेगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने का तरीका बनेगा सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वही मटेरियल का भी वॉल्यूम, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वही वही वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोन है तो कोन का वॉल्यूम निकाल लो, मान लो सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, मान लो हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वो का वही मटेरियल का वॉल्यूम भी होगा, ठीक है ना। प्लस इस वाले केस में इनर और आउटर डायमेंशन नहीं होती है, एक ही डायमेंशन होती है, ऐसा नहीं होगा कि इनर रेडियस आउटर रेडियस, ऐसा नहीं होगा कि इनर लेंथ आउटर लेंथ, क्योंकि सॉलिड है ना, वो सॉलिड है तो अंदर की कोई मेजरमेंट है नहीं, जो भी है वो बाहर की है और बाहर की है मतलब एक ही है, ठीक है ना। सो सॉलिड ऑब्जेक्ट में देयर इज नो इनर रेडियस आउट, मतलब इनर मेजरमेंट आउटर मेजरमेंट अलग अलग नहीं होगी, तो एक ही मेजरमेंट होगी, उससे वॉल्यूम निकाले ना वही मटेरियल का वॉल्यूम होगा, ओके। अब इधर बात करते हैं होलो के केस में, दो मेजरमेंट होती है, एक होती है इनर मेजरमेंट अंदर से अंदर, क्योंकि खोखला है वो, खोखला है जैसे ये खोखला है, अब मैंने इसकी रेडियस निकाली अंदर से अंदर तो सेंटर से लेके यहीं तक होगी, और अगर मैं आउटर निकालू तो सेंटर से लेके बाहर तक होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, मामूली सी लेकिन बढ़ेगी तो सही, बढ़ेगी ना। मान लो ये सर्किल है तो ये मान लो इसकी थिकनेस है, इतनी सी थिकनेस है ये, तो यहां से लेके यहां तक इनर होगी ये इनर रेडियस, और थोड़ी सी बढ़ के बाहर तक जाएगी ये आउटर होगी, होगी कि नहीं होगी। तो खोखली चीजों में दो मेजरमेंट होती है, इनर और एक आउटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल टू, अब क्योंकि इसमें मेजरमेंट दो होती है इनर आउटर, तो वॉल्यूम भी दो होंगे, इनर आउटर वॉल्यूम भी कितने होंगे दो, इनर मेजरमेंट को यूज करोगे तो इनर वॉल्यूम, आउटर मेजरमेंट को यूज करोगे तो आउटर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला बन जाएगा, यहां लिख देते हैं नीचे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, माइनस इनर, डन। अच्छा, इनर रेडियस से आउटर रेडियस और आउटर रेडियस से इनर रेडियस कैसे निकालते हैं, वो लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस हो चुका है, थिकनेस ऐड कर देंगे तो आउटर मिल जाएगी, थिकनेस हटा देंगे तो इनर मिल जाएगी, वो फॉर्मूले फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे अभी इन क्वेश्चंस, हो गया ये नोट डाउन, ओके। तो मटेरियल यूज कर, जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका पता चल गया, सबसे पहले क्या पता लगाओगे कि ऑब्जेक्ट सॉलिड है या होलो, अगर सॉलिड है तो एक ही तरीके की डायमेंशन होगी, उस डायमेंशन से वॉल्यूम निकाल लो, वही वॉल्यूम मटेरियल का वॉल्यूम होगा, और अगर होलो है तो एक नहीं दो तरीके की डायमेंशन होंगी, एक इनर और एक आउटर, दोनों वॉल्यूम्स का डिफरेंस करो, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, वही मटेरियल का वॉल्यूम माना जाएगा, ओके बेटा। चलो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करने में आने वाला है मजा। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसकी थिकनेस दे दी एक सेंटीमीटर, थिकनेस क्या दे दी एक सेंटीमीटर, अब देखो इनर रेडियस दे रखी है, यानी इनर मेजरमेंट तो दे रखी है, क्या दे रखी है इनर मेजरमेंट तो दे रखी है 1 मीटर, आउटर मेजरमेंट दे नहीं रखी, तो थिकनेस दे दी ना, तो थिकनेस और इनर रेडियस को जोड़ दें तो आउटर रेडियस मिल जाएगी, अब आपके पास इनर रेडियस भी है, अब आपके पास आउटर रेडियस भी है, इनर रेडियस से इनर वॉल्यूम निकालो, आउटर रेडियस से आउटर वॉल्यूम निकालो, दोनों का करो डिफरेंस, वही हो जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ आयरन, भाई यहाँ पे मेटेरियल आयरन है ना, समझ गए, सारा रोड मैप मैप में क्लियर होना चाहिए, ये करना है ये करना है ये करना है, फिर करना तो आपको ही, ठीक है, ओके आ जाओ। हियर इट इज गिवन दैट, लेट्स स्टार्ट, हियर इट इज गिवन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनर रेडियस, इनर रेडियस, वैसे अपन रेडियस ही लिखते हैं पर होलो ऑब्जेक्ट के केस में इनर है या आउटर क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, ओके। इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक है ना, हेमिस्फेरिकल टैंक, अब अगर दो रेडियस हैं तो लेटर भी दो चाहिए होंगे रेडियस के लिए, सो वी विल यूज स्मॉल आर एंड कैपिटल, इनर रेडियस छोटा होगा तो स्मॉल आर, आउटर रेडियस बड़ा होगा तो कैपिटल आर, या फिर दूसरा ऑप्शन है R1 R2, R1 R2 मुझे कंफ्यूजिंग लगता है, इफ यू कैन वांट यू कैन यूज R1 एंड R2 आल्सो, बाकी स्मॉल आर कैपिटल आर सबसे सही लगता है ना,
इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, तो इनर रेडियस है तो उसको लेटर मिलेगा, कौन सा लेटर मिलेगा, स्मॉल आर, कितना गिवन है बोलो बच्चों, 1 मीटर, क्लियर, एंड साथ मीटर है, मीटर है बेटा, थिकनेस को मीटर में चेंज करेंगे ना, हमेशा एक बड़ी और एक छोटी यूनिट हो तो बड़ी को बड़ी रहने देते हैं, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट कर, फाइनल आंसर बड़ी में आना चाहिए, ओके ठीक है। हाँ, तीन चार यूनिट्स हैं उसमें से एक ही बड़ी है और तीनों चारों छोटी हैं, फिर उस बड़ी को छोटी में लाना पड़ता है, तो मेजोरिटी देखी जाती है, ओके। अभी 1-to-1 की लड़ाई है तो हम बड़ी बात करेंगे, छोटी की बात नहीं करेंगे, ओके। तो 1 मीटर को 1 मीटर रहने दो, उसको भी मीटर में चेंज करेंगे, ओके। ऑल्सो थिकनेस ऑफ द आयरन शीट, ये भी गिवन है आपको, थिकनेस ऑफ द बोलो टेल मी व्हाट इज द थिकनेस गिवन, 1 सेंटीमीटर, बट हमने क्या प्लान किया था, मीटर में चेंज करना है ना, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, छोटे से बड़े में डिवाइड या मल्टीप्लाई, कितने से डिवाइड कराऊ, 1000, हमेशा 1000 से होता है क्या, कनेक्शन क्या है मीटर सेंटीमीटर का, 100 का, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से डिवाइड, कनेक्शन भी याद होना चाहिए, केवल इतना नहीं याद होना चाहिए कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है वो भी पता होना चाहिए। 1 divided by 100, अब ये मीटर में बन चुका है, इसको सॉल्व करूंगा तो इट इज लाइक 0.01 मीटर, यस और नो, चलो जी, तो थिकनेस है, इनर रेडियस है, अब निकालेंगे हम आउटर रेडियस, सो आउटर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, आउटर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, That is, अब आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कराते हैं और उसको हम निकालेंगे कैसे, स्मॉल आर में थिकनेस को ऐड करके, स्मॉल आर में थिकनेस को ऐड करके, और इन केस अगर स्मॉल आर निकालना होता और कैपिटल आर गिवन होता तो कैपिटल आर में से थिकनेस को हटाना पड़ता, समझ गए रिद्धि, समझ आ रहा है, बड़ा आर कैसे निकालेंगे, छोटे आर में थिकनेस जोड़ के, और इन केस बड़ा आर गिवन होता और छोटा आर निकालना होता फिर कैसे निकालते हैं, माइनस करके, बड़े आर में से थिकनेस को माइनस करके, ओके, सो स्मॉल आर इज व्हाट, 1, और ये कितना है 0.01, क्या है ये 0.01, इतने मीटर का हो जाएगा, यानी कि टोटल कर दूं तो 1.01 मीटर, ठीक है 1.01 हुआ, ऐड करके बताऊं क्या, ऐसा ऐड करोगे, ठीक है, चलिए, तो आउटर रेडियस भी हो गया, इनर रेडियस भी हो गया, मौका भी है, दस्तूर भी है, मारो हथौड़ा, दैट मींस निकालो वॉल्यूम, निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दो तरीके के निकलेंगे, सबसे पहले इनर वॉल्यूम एंड देन आउटर वॉल्यूम, नाउ इनर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, क्या हुआ आशीष, कुछ तो हुआ है, क्या चाहिए बता, इनर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का, तो इनर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल आर क्यूब, वैसे तो अपन सिंपली आर बोल देते हैं लेकिन इनर आउटर में स्मॉल आर कैपिटल आर बोलना जरूरी है, तो क्या बोलूंगा 2/3 πr³, ठीक है, ओके फाइन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें ना कि पूरा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मतलब जितना इजीली कट रहा उतना इजीली काट दो, जितना नहीं कट रहा है उसको अल्फा लेस इट इज छोड़ दो, कैसे 2/3 को तो चलो 2/3 लिख दिया हमने, एक काम करेंगे, सुनो एक काम करते हैं, डोंट पुट एनी वैल्यू हेयर, कुछ भी पुट मत करो, बस मीटर क्यूब लिख के छोड़ दो, लास्ट में वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में वैल्यू पुट अप करेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू अभी पुट अप करें, फिर वापस पुट अप करें, फिर माइनस करें, तो इससे अच्छा एक ही बार पुट अप करें लास्ट में, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना, कटेगा नहीं, डिवाइड थोड़ा ना कर रहे हैं, रेशियो में कटता है, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस करेंगे ऐड करेंगे तो कॉमन आ जाएगा, रेशियो निकालते हैं तो पाई से पाई कटता है, ओके, चलिए, तो ये हो गया इनर वॉल्यूम, ऑल्सो आउटर वॉल्यूम, वॉल्यूम
ऑफ द हेमिस्फेरिकल टाइम, ऑफ द हेमिस्फेरिकल टाइम विल बी इक्वल टू, सो 2/3 बोलो फॉर्मूला, कैपिटल आर क्यूब स्क्वायर, कौन बोल रहा है, मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब, क्या हो गया, खड़ा कर दूं, क्यों आपको खड़ा कर दिया था, किस बात पे, तो गलती का लेवल भी तो होता है ना, पहला बार मैंने सही बताया, सेम यही था, चलो ठीक है, अभी अदालत के पास पुख्ता सबूत नहीं है कि ये आवाज कहाँ से आई थी, और इतना समय नहीं है कि क्लास बंद करके कैमरा देखें, चलो इधर देखो, इधर आ जाओ, नो मोर डिस्कशंस, सो 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, अब फाइनली हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नाउ वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज, तो कैलकुलेशन के लिए रेडी हो जाओ महारथियों, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज्ड, मटेरियल यहाँ पे आयरन है ना, मान लो प्लास्टिक मटेरियल होता तो प्लास्टिक का वॉल्यूम निकलता, विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनता है, होलो का आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है, ओके फाइन, सो आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी नहीं, आउटर वॉल्यूम अभी कितना है मैंने उधर लिख के रखा है, देखो कितना है, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इनर वॉल्यूम भी लिख के रखा है, वो बताओ कितना है, 2/3 पाई, ठीक है, अब सुनिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2/3 पाई, 2/3 पाई कॉमन, अंदर क्या बचा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, अब इस पोजीशन पे आप वैल्यूज रखना स्टार्ट कर, तो पाई की वैल्यू एक बार रखनी पड़ी आ रहे हैं, ठीक है ना, पाई की वैल्यू एक बार रखनी पड़ रही है, सो 2/3 पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, और ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करते हैं हम, कैपिटल आर की वैल्यू बोलना जरा 1.01, राइट, और उसका भी करना है हमको क्यूब, तो 1.01 इसका भी हमको करना है क्यूब, और स्मॉल आर की वैल्यू बोलना 1, और उस 1 का भी करना है हमको क्यूब, और ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट रूपी द्वार होता है बंद, चले आगे, अब पहले अंदर का अंदर मामला सुलटा देते हैं, ठीक है, बाहर वालों को ऐसे छोड़ दो, 2 × 22 तो न्यूमरेटर में है, और 3 × 70 नॉमिनेटर, ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाइड बाय, अंदर चलते, 1.01 का क्यूब करो फटाफट, देखो 1.01 का क्यूब कैसे करेंगे, 1.01 × 1.01 × 1.0, आपकी सहूलियत के लिए इसका स्क्वायर तो मैं बता देता हूँ क्या होता है, 10201 होता है, तो अब आप बस एक मल्टीप्लीकेशन और करो, क्यों नहीं लगाना, डेसिमल गलत लगा दिया मैंने ना, 4, 2, 2 इधर 2 उधर, तो 4 डेसिमल प्लेस लगेंगे, 1.020, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 1.0201 × 1, नहीं अभी चिट वाला प्रोसेस नहीं है, तो ऐसे करते, छोटी मोटी है, बड़ा वाला दूंगा, चिट में बड़ा वाला दूंगा, तो ऐसे करो फटाफट से, हो गया, औरों को भी करने दो, फिर जिससे पूछूंगा वो बताएगा ऑनलाइन, बोलो तुषार फिर से बोलो 103301 और डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे 6, 4 तो इधर ही है 2 इधर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो इज इट 1.03 0301, करेक्ट है क्या, हाँ जी टेस्ट देना आपको, ये लीजिए कहाँ रख गया मैंने पेपर,
क्या स्पेशल सीरीज क्या होती है? सब कुछ हमारे कोर्स में होता है. स्पेशल सीरीज इज ऑल्सो टाइप ऑफ सीपीएनए. हमारे मिसलेनियस में नहीं था स्पेशल सीरीज. सो पहले जाओ उसको डिलीट करवा के जाओ, देन मुझसे बात करो. ओके गो एंड सिट. और कोई नहीं आया था 11th में? टेस्ट में देख साक्षी तो देखे, प्रियांशु ये बात देखना, बाहर खड़ा हो, खड़ा हो तो ले आओ, नहीं तो फिर जाने दो. हाँ जी, माइनस वन का क्यूब तो वन ही होता है, ये तो बताएं. एक गुणा एक, एक ही होगा. अब 1.0303 पहले तो बताओ ये तो करेक्ट है क्या? आठ दस लोगों का तो आ रहा है क्या ये 1.03? बैठो. ठीक है, तो इसमें से वन माइनस करना है अपने को. ठीक है, तो ये टू आपका थोड़ा का महेश माश है. अब ये तो देखो किस्मत है, अगला मौका लग ही नहीं पा रहा बैठने का, है ना? ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन आ रहा ही नहीं जिसके बलबूते आपको बिठाया जा सके. हाँ ये तो लिखना है ना, इसका माइनस करो. 1.0303 में से 1 गया तो क्या बचा? 0.0303 बचा कि नहीं बचा? माइनस कर दिया ना, एक घटा दिया ना, ये एक हट गया, इसकी जगह जीरो बच गया, 0.0303 ठीक है. अब ये कट रहा है क्या, ये चेक करो. क्या ये 3 से कटेगा? क्या ये 7 से कटेगा? सेवन से भी नहीं कट रहा, एंड थ्री से भी. 7 4 28 10 23 7 8 21 21 20 10 40 नहीं कट रहा है, तो बस फिर एक ही चाह रहा है मल्टीप्लाई करना है. हाँ जी, कहाँ गए थे माशे? उनको सी ऑफ करने गए थे, है ना, गुड बाय करने गए थे, इतना जरूरी था. ये तुम्हारे बाहर फ्रेंड्स का आना ही बंद करवाना पड़ेगा, तभी कुछ रिजल्ट आएगा. फ्रेंड्स नहीं आएंगे ना तो रिजल्ट आएगा, दोनों में से एक ही चीज आ सकती है, तो फ्रेंड्स या रिजल्ट. करो बैठो, वहां बैठ लो उसको. हाँ जी, सो करो मल्टीप्लाई. किसका इंतजार कर रहे हो? जो भी मल्टीप्लाई गिवन है, 2 × 22 = 44 हो गया. तो 44 × 0.0303 01 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, 3 7 21. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई. देखो ये इसका अगर पॉइंट और जीरो को भूल जाएं तो ये नंबर क्या बचता है, 30301. तो 30301 को एक बार 44 से गुणा करके आए फटाफट, मेरे पास बैठने का मौका भी है जो खड़े हैं. 30301 को 44 से गुणा करके करेक्टली, हाँ चिट देना, करेक्टली करके आए. छोटी छोटी चिट पाड़ो, क्यों वेस्ट कर रहे हो इतना, घर से बना लो अब तो, ये तो पूरे कोर्स में चलेंगे. हाँ बहुत ठीक. वहां के लो चलो जाओ. लाओ जल्दी जल्दी. समीक्षा के गलत है, ज्यादा ही बड़ी बात.
ठीक है, हो गया, सबने दे दिया। किसने नहीं दिया? और किस? क्यों नहीं करा? नहीं, इसको करो, बैठो। तो समीक्षा आप ही का गलत है, बस इसको अलग से रखते हैं। आप क्लास में मिलके जाना, मुझसे पर्ची लेके जाना ना, ये इसमें डस्टबिन में डाल के आओ। हाँ जी, तो बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 1333 ओके, 1333 नॉट 3 2 4। अब सुनो, डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6, इधर भी काउंट कर, 7 का है, 7वां कहाँ है भाई? 1 2 3 4 5 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 6, सो 1.333244 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का काम ओवर, अब 21 से डिवाइड करना है। आती 21 की टेबल? 21 की टेबल आती है तो फिर डिवाइड करने में क्या दिक्कत है? देखो, सबसे पहले 1 से मुलाकात हुई, अब 1 तो 21 ने तो लिफ्ट ही नहीं दी 21 को, तो फिर आगे 3 ले लिया हमने, 13 हो गया, लेकिन 13 भी नहीं कट सकता। जैसे मैंने 3 लिया तो पॉइंट तो आ गया था, पॉइंट तो आ गया था, लेकिन 13 बना, 13 ने भी लिफ्ट नहीं दी, एक और 3 ले लिया 133, तो एक 0 लगेगा। अब 133 को 21 से सोचो कितनी बार कटेगा, 6 टाइम्स, 21 6 जा होता है 132, ये है 133, कितना रिमाइंडर बचा? 1 के आगे एक 3 मिला 13, अगेन 13 नॉट सफिशिएंट है, एक और ले लो 132, तो 0 लगा के एंड 21 6 जा 132। फिर 4 लिया मैंने रिमाइंडर, 4 से काम नहीं चला, 44 लिया तो एक 0 और लगा, 21 2 जा 42, और वैसे भी 6 डेसिमल प्लेस तो हो चुके हैं, ये चलता ही जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी हमको 2 या 3 डेसिमल प्लेस में आंसर आना होता है, ये तो 6 में आ गया, तो बस इतना ही करके छोड़ दो और मीटर क्यूब अप्रोक्स मैच करो आंसर। जीरो सिक्स जीरो सिक्स जीरो टू मीटर क्यूब अप्रोक्स इज द फाइनल आंसर। क्या क्या है बताओ, पीछे क्या है? 0.0634 ओके, सो आपके डिफिकल्ट लेवल पे फिर ये क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से सुनो, डिफिकल्ट लेवल पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा फिर, यानी ठीक है, फॉर्मूला में भी चेंजेस करना पड़ेगा। मुझे लगा कि शायद आपके नाइन्थ लेवल, मुझे लगा कि नाइन्थ क्लास में इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं देगा, पर उसने दे दिया। सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए, नहीं कल क्यों करवा देना, जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो सिक्स क्या है बताना, 0.06348 यानी थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना, और हमारा क्या आ रहा है 0.06 3060। एक बार डिवाइड करके देखो, सब लोग सही क्या है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में नहीं, कैलकुलेटर में डिवाइड करो बेटा, जल्दी डिवाइड करो, और पाई की स्पेसिफिक वैल्यू थोड़ी ना, ये भी देख लेना, तो ये फालतू परेशान हो रहे हो, पाई की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। हाँ बताओ, ये सेकंड फर्स्ट ईयर 21 से काटा आपने, ध्यान है हमने डिवाइड गलत किया है। ओके फाइन, 6 1 6 6 2 132 कर रहे हैं हम, डिवाइड गलत किया भाई, 22 6 जा होता है 132, 21 6 जा नहीं होता है, सो करेक्ट है सब, बस आखिरी का डिवीजन गलत है, सही करो, फिर से आओ देखो, फिर से आओ, तो इसी से मैच हो रहा है आंसर, यानी कि डिफिकल्ट लेवल नहीं है इस साल, मैं भी शौक था कि इस साल डिफिकल्ट लेवल कैसे दे दिया, अगले साल आएगा, आ जाओ, तो 133 आया ना ये, तो हम 22 6 जा 132 कर रहे थे, लेकिन वो तो 22 6 जा 132 होता है, 21 6 जा होता है 126, सो 133 में से 126 गया, तो कितना बचा? 7, कितना बचा? 7, 7 बचा, अब 7 के आगे क्या मिला हमको? 3,
सात के आगे क्या मिला, थ्री, क्या बना 73, 21 से 73 काटेंगे तो तीन टाइम कट जाएगा, 21 3 जा 63, 73 में से 63 गए, बचे 10, 10 के आगे किससे मुलाकात हुई, 2 से, 10 और 2 मिलके हो गए 102, अब 102 से काटो 21 को, तो कितनी बार कटेगा, चार बार कटेगा, कितना आएगा, 84 आएगा, क्या आएगा 84, उधर कौन था मेरे पास 102, इधर कौन है 84, 102 में से 84 गए तो 18 बचे, 18 के आगे किससे मुलाकात हुई, 4, क्या बनाइए 184, 184 से काटो 21 को कितनी बार कटेगा, 8 टाइम्स कटेगा, 21 8 से कितना होता है 168, उधर क्या था 184, 184 में से 168 घटाना है बच्चों, so 16 बचेगा, क्या बचेगा 16, 16 के आगे एक और 4 है तो ये क्या बन गया 164, अब 164 से 21 को काटेंगे 164 से काटेंगे तो 8 बार तो 168 होगा ना, हमारे पास 164 है तो 7 टाइम्स कटेगा अप्रोक्स, और यही हमारा अप्रोक्स में लेके आओगे तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो डिवीजन मिस्टेक थी, बाकी कुछ कमी नहीं थी इसमें, हमने 22 से डिवाइड कर दिया जल्दीबाजी। देखो डिफिकल्ट वाला वॉल्यूम में नहीं होता, सरफेस एरिया में होता है, तो वो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट, तो आएगा 10th क्लास में फिर हम सीखेंगे, ठीक है ना। थैंक गॉड, क्या बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए, सो डोंट थैंक गॉड, ठीक है ना, कभी ना कभी तो फिर उसके बाद फिर गोट को कहोगे कि अब फिर बाद में क्या कहोगे, ओके फिर थैंक यू वापस ले लो गोट से, ओके चलो कर दूं डिलीट, एक क्वेश्चन और करना है आज का एंड देन फिर बाकी के कल सारे ताकि परसों टेस्ट हो पाए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपोजिट क्वेश्चन है, स्फीयर का वॉल्यूम पूछा नहीं है और स्फीयर का वॉल्यूम दे दिया है, स्फीयर का वॉल्यूम पूछा नहीं है दे दिया, तो इजी है, काफी इजी है, इजीली हो जाएगा। देखो स्फीयर का वॉल्यूम दे दिया है सर, नहीं सॉरी 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 सॉरी, वॉल्यूम पूछा है सरफेस एरिया दे दिया है, तो सरफेस एरिया दिया है ना भैया, क्या दिया है उससे रेडियस निकाल लो, रेडियस से वॉल्यूम निकाल लो, समझ गए, सरफेस एरिया से रेडियस निकाल लो, रेडियस से वॉल्यूम। अब रेडियस मिसिंग है तो जब भी मिसिंग है तो हम स्टार्टिंग करेंगे अजम्पशन से कि इसका रेडियस मान लेते हैं आर सेंटीमीटर, जब भी रेडियस मिसिंग है तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर बी आर सेंटीमीटर, स्टार्ट हो जाओ, नॉट इट इट इज नॉट गिवन, अजम्पशन से स्टार्ट करना है, बात तो सुनते नहीं हूं, लेट द रेडियस, जब रेडियस मिसिंग होता है तो गिवन पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते, अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर, फाइन। नाउ अब आर सेंटीमीटर हो गया, अब क्या गिवन है आपको, सरफेस एरिया, अब क्या गिवन है, तो अब सरफेस एरिया के बारे में लेंगे, नाउ इट इज गिवन दैट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है आपको, है ना, ये गिवन है बच्चों, स्क्वायर सॉरी सरफेस एरिया विल बी इन स्क्वायर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक्सप्लोर कर दो, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बोल दो, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 154 गिवन है। सो इस इक्वेशन में से आर मिसिंग है, कौन मिसिंग है, आर निकल जाएगा एक्सपेंड करेंगे तो, चलो करते हैं इसको एक्सपेंड और निकालते हैं, खोज के निकालते हैं आर को, तो 4 तो 4 ही है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, देन आर का स्क्वायर, आर का क्योंकि आर तो मिसिंग है ना, तो आर स्क्वायर ही रहेगा 154, यहां तो कोई डाउट, अब आर की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगी, पहले आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, पहले किसकी वैल्यू आएगी, वो कैसे आएगी, इन भाई साहब को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये भाई साहब जब उधर जाएंगे तो उल्टे फुलटे हो जाएंगे, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, सो 154 तो ज्यों का त्यों 7 डिनोमिनेटर में आ रहा है, पहुंचाओ न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 न्यूमरेटर में आ रहा है तो पहुंचा दो नीचे, नहीं मल्टीप्लाई क्यों करना, वैसे भी काटना है अपने को, 22 7 जा होता है, बोलो होता है 22 7 जा 144 होता है, तो 7 7 जा
एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 4, पर ये रेडियस नहीं है, ये तो रेडियस का स्क्वायर है, हमको तो क्या चाहिए रेडियस चाहिए। सो यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां जाके क्या लगेगा, रूट लगेगा, आर की वैल्यू हो जाएगी, यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां जाके 49/4 का रूट, 49/4 का रूट क्या होता है, वैसे तो प्लस और माइनस 7/2 होता है, माइनस में भी हो सकता है, बट क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती तो इस चैप्टर में अपन वो नेगेटिव क्वांटिटी इग्नोर कर रहे हैं, केवल इस चैप्टर में। बाकी जनरली अगर आपसे कोई पूछे 49/4 का रूट क्या होगा तो आप क्या कहोगे, प्लस और माइनस 7/2, प्लस 7/2 भी हो सकता है, माइनस 7/2 भी हो सकता है, हमेशा रूट दो होते हैं, हमेशा स्क्वायर रूट किसी भी नंबर के एक नहीं होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। पर इस चैप्टर में माइनस वाला इग्नोर कर रहे हैं तो प्लस वाला ही मान रहे हैं। सो ये सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब जब रेडियस आ चुका है तो हम देर किस बात की, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम, हेंस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू, टेल मी द फॉर्मूला, पाई आर क्यूब। ओके, सो कल तक आर नहीं था, आज तो है ना, आज तो 22/7 आर का क्यूब करना है, यानी 7/2 × 7/2, जगह नहीं बची मेरे पास, तो थोड़ा इधर से स्टार्ट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, इधर से स्टार्ट करो, 4/3 × बेटा आपको नहीं करना है इसका, आपको वहीं से करना है, हमेशा याद रखो। चलो इधर देखो, प्रेजेंटेशन टेक्निक सिखाते हैं आपको, बोर्ड एग्जाम में क्या फॉलो करना है, देखो जैसे आपने इक्वल टू का साइन यहाँ लगाया ना, उसकी सीट में आना चाहिए सारे इक्वल टू का साइन, आप बाकी चीजें इधर उधर कर दो, इक्वल टू का साइन वहीं रहना चाहिए, ये होता है करेक्ट प्रेजेंटेशन टेक्निक। अब मेरे पास तो क्या लिमिटेड स्पेस है, तो मैं तो इधर उधर कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, आपके पास तो नहीं है ना, तो आप इक्वल टू का साइन हमेशा सीट में लगाएं। ओके, कोशिश एटलीस्ट कोशिश करें, फिर रेयर केस में थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 हो गया तो कोई पाप नहीं लग जाएगा हमारे ऊपर, लेकिन कोशिश करें कि हम एक ही अलाइनमेंट में उस इक्वल टू के साइन को अरेंज करें, फिर देखो आपका प्रेजेंटेशन कितना सुंदर दिखाई देता है मैथ्स के अंदर। ओके, चलो आओ, 4/3 × π, ये बात कभी किसने बताई नहीं आपको, अब आप देख लो, हमको तो ये बात थर्ड या फोर्थ क्लास में बता दी गई थी, तो आप देख सकते हो कि एजुकेशन लेवल कितना किस स्तर पे गिर चुका, जो बात हमको थर्ड फोर्थ क्लास में टीचर्स ने बताई आपको 9th क्लास में आके पता चल। आर का क्यूब करो तो आर की वैल्यू अगेन ठीक है, काटो पीटो, 7 से 7 काटो, 7 से 7 काटो, आगे बोलो, देखो इधर देखो, ये 2 2 जा 4 होता है, इधर 4 को उड़ा दो, अब 2 से 22 को 11 टाइम्स काटो, तो नीचे 3 बचा, वो कटेगा वैसे भी नहीं, हो गया पेपर, वो जल्दी कर लिया, हाँ जी। सो क्या कर रहे थे हम, बस 11 इधर लिख देता हूँ, अब जगह नहीं मेरे पास, 11 × 7 × 7 49 होता है, डिवाइडेड बाय 3, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 9 99, रिमाइंडर 9, 44 and 9 53, अब 3 से डिवाइड कराएंगे तो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, 3 1 3 23 3 7 21 3 7 21 29 3 9 27, फिर 2 बच गया तो 66 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स, क्योंकि खत्म नहीं हुआ ना, वो चलता गया, हाँ 6.66 को हम 2/3 भी कर सकते हैं, जो लास्ट में रिमाइंडर 2 बचा उसको न्यूमरेटर में बिठा के और 3 में कन्वर्ट करके, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ, क्यों छोड़ दो इनको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ दो, क्यों गवर्नमेंट ने मना किया, हाँ कलेक्टर के आदेश आए कि सैटरडे को टेस्ट नहीं ले सकते, संडे को आदेश आए उल्टा कि संडे को बच्चों के टेस्ट नहीं होने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। हर भी कल जयपुर जाओगे तो पढ़ाई हो पाएगी, इसलिए कर ले लो।